कि एक प्यारा सा बच्चा होता है जो कि बाहर जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? बाहर घूमने जाना चाहता है। चलिए पढ़ते हैं। इफ आई वॉन्ट बी एस्ट्रोनॉट, आई वुड लाइक टू गो टू ए प्लांट फुल ए कलर विद फ्लावर इन द सू। यानी कि एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ एक ऐसी दुनिया में जो रंगों से भरी हो, फूलों से भरे हुए ग्रह पर वो जाना चाहता है। एक प्यारा सा बच्चा है, वो बोलता है कि मुझे एक ऐसी दुनिया में जाना है जो कलरफुल हो, रंगों से भरी हुई हो, विथ फ्लावर इन द सू और फूलों से भरी हुई। सिट डाउन, यानी कि बैठ जाओ। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर हुआ ना कि प्लीज बैठ जाओ, सिट डाउन।
question mark, question mark and answer, answer mark. ये क्या होते हैं question mark और answer mark? क्या होते हैं आप जानते हैं? question mark किसको बोलते हैं, answer mark किसको बोलते हैं, आपको पता है? जब भी आप question लिखते हैं book में से कोई भी question लिखते हैं, हम आपको question answer देते हैं ना, आप book में से कोई भी question लिखते हो, जब वो question पूरा complete हो जाता है, question पूरा complete हो जाता है, तो हम last में उसको पेपर करने के लिए क्या करते हैं, question mark लगाते हैं। कौन सा mark लगाते हैं? question mark। question mark क्यों लगाते हैं? ये पेपर करने के लिए कि हमारा question complete हो चुका है, इसको पेपर करने के लिए हम last में क्या लगाते हैं, अपना एक question mark लगा देते हैं, इससे ये पेपर होता है कि ये question complete हो चुका है। और answer mark क्यों लगाते हैं? answer mark लगाने के लिए छोटा सा dot लगा देते हैं, गोल गोल से बिंदु रख देते हैं, इससे क्या पेपर हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्या पेपर हो रहा है कि हमारा जो आंसर था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, इसको हम थोड़ा सा तिरछा बना लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन मार्क होता है और ये डॉट की बिंदी हमारी आंसर मार्क होती है। क्वेश्चन मार्क आंसर मार्क हम अपने वर्ड अपना सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाते हैं, ये दर्शाने के लिए कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हमारा आंसर यहां पर कंप्लीट हो चुका है। इसलिए हम क्वेश्चन मार्क वॉशिंग वीडियो इसके हमारे स्टेट से।